बेरमो अनुमंडल कार्यालय में नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने निवर्तमान बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार के कार्यभार सौंपे जाने के बाद विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निवर्तमान बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने नव पदस्थापित बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। वहीं पदभार ग्रहण करते हुए बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बेरमो अनुमंडल क्षेत्र की समस्या जो भी है उनके अधिकार क्षेत्र में उसका समाधान किया जाएगा। पदाधिकारी बेरमो के पद से प्रभार ग्रहण किया है और जो प्राथमिकता है जो रूप में मेरी सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की होती है, तो जो किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या का समाधान करना चाहिए, एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है कि कई प्रकार की नियुक्तियाँ आ रही हैं तो सभी लोगों का आय आवासीय जाति ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि समय में उससे मिल जाए, तो मैं प्रयास करूँगा कि आय आवासीय जाति जो भी प्रमाण पत्र जो किसी नियुक्ति फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है उसमें किसी प्रकार का विलम्ब ना हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। साथ ही पेंशन से संबंधित जो आवेदन, वृद्धा पेंशन से संबंधित जो आवेदन है उसको समय निष्पादन हो, इस प्रकार का मैं प्रयास करूँगा और उसका क्षेत्र में वीडियो सीओ के संपर्क से व्यवस्था सुधार करने का मतलब विस्थापन का समस्या यहाँ उनको किस तरह से जी मैंने जो अखबारों के माध्यम से मैंने देखा है कि यहाँ विस्थापन को लेकर क्या कुछ आंदोलन होते रहते हैं, उस आंदोलन को मैं समझूंगा। उनका जो विस्थापन एक समस्या है, वास्तविकता में समस्या है, तो क्या बात है, क्या समस्या है, जो भी कंपनी है उनके तरफ से क्या उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या कमी है वो समझ करके मैं दोनों पक्षों से बात करके उसको सही तरीके से शांत वातावरण में कोशिश करूँगा तो उस समस्या का समाधान कर सकें। सर एक और आपको